हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है मेरा चैनल आनंद उत्पल में। मैं इस वीडियो में आज आपको दिखाऊंगा इस तरह पे सिंपल क्वेश्चन पे आप किस तरह से इस तरह का पैटर्न डिजाइन आप करेंगे, इस चीज़ को इस वीडियो में कवर करूंगा। तो चलिए देखते हैं इस तरह के क्वेश्चन पर किस तरह से इस तरह का पैटर्न डिजाइन आप इसके ऊपर करेंगे, एक्चुअल में किस तरह से किया जाता है, इस चीज़ को समझे। तो सबसे पहले आपको इस तरह का काम करने के लिए आप इस जैसे हमने इसका इमेज हमने फोटोशॉप में गूगल से डाउनलोड किया है, आप अगर सर्च करेंगे गूगल पे तो क्वेश्चन लिख के नॉर्मल आपको मिल जाएगा। ठीक है, आपका साइज वगैरह आपको सब कुछ यहाँ पर लिखेंगे तो मिल जाएगा। ठीक है, तो इसके आगे हमने इसका जो पैटर्न है हमने इसको भी डाउनलोड किया है, यहाँ पर देखेंगे गूगल पे जाके यहाँ पर सर्च किया है तो इस तरह का पैटर्न यहाँ पर मिल गया है। ठीक है, फ्लोरल पैटर्न मॉडर्न डिज़ाइन। ओके, तो पैटर्न यहाँ पर अपन क्या है, तो चलिए देखते हैं, फोटोशॉप में चलते हैं। तो मैं करता हूँ कि जैसे सबसे पहले मैं इस जो क्वेश्चन का सिलेक्शन में कर लेता हूँ, तो मैं करता हूँ पेन टूल से अच्छा रहता है करना। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं, एक्यूरेट पे मत जाइए कि जैसे मैं नॉर्मल एक कर रहा हूँ आपको दिखाने के लिए। ओके, जल्दी जल्दी से कर लेता हूँ मैं। ओके, ओके, ऐसे ऑल प्रेस करके आपको अगर एंकर पॉइंट तोड़ना है तो आप इस तरह से तोड़ सकते हैं। ऑल प्रेस करके उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो एंकर पॉइंट खत्म हो जाएगा। ठीक है, बाकी आपको पेन टूल चलाना नहीं आता तो मेरा एक वीडियो अपलोड ऑलरेडी किया हुआ है इसमें चैनल पे, आप देख सकते हो उस वीडियो को। ऐसे में ऑल प्रेस करके इसको ब्रेक कर रहा हूँ। ठीक है, ओके, ऐसे इसका कॉर्नर में ठीक तरह से बना लो। ओके, आप अगर कुछ इधर उधर हो जाता है तो इसके इसमें आप कंट्रोल जेड प्रेस करेंगे तो बैक स्पेस होता है, इस चीज को हमने बहुत बार कहा है अपने वीडियो में। ओके, चल से करते चले जाए। ओके, ओके, अगर मैं दूसरी टूल से करता तो और भी कम समय के अंदर ही हो जाता है, लेकिन मैं पेपर करता हूँ पेन टूल चलाना, तो मैं पेन टूल से आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ। आपका सिलेक्शन अगर एक बार में सही नहीं बन रहा है तो बार उसे आप बाद में एडिट कर सकते हैं, उसके ऊपर जाके ऑल कंट्रोल प्रेस करके क्लिक करेंगे तो सारा एक्टिव हो जाएगा एंकर पॉइंट। उसके बाद ऐसे क्लिक करेंगे तो ऐसे इसका एंकर पॉइंट ऐसे पकड़ के आप जहाँ पर भी रखना चाहते हो उस तरह से आप इसे एडिट कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं कम कर तो राइट क्लिक करके इसको नेक्स्ट सिलेक्शन पर जाके इसका फेदर रेडियस ऑन रखता हूँ और उसे ओके कर देता हूँ। तो अब सिलेक्शन एक्टिव मोड में है अभी, तो मैं एक काम करता हूँ इसके ऊपर एक लेयर ले लेता हूँ। तो अभी मैं आपको दिखा दूँ मेरा जो थंबनेल जो बड़ा बड़ा साइज से दिख रहा है, इसके बजाय इसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे, इस थंबनेल के ऊपर जाके यहाँ पर दिखाई गया है नो थंबनेल, स्मॉल थंबनेल, मीडियम थंबनेल, यहाँ पर लार्ज सिलेक्शन किया हुआ है इसलिए बहुत बड़ा दिखाई दे रहा है, क्योंकि आपको दिखाना चाहता हूँ मैं आपको किसके ऊपर क्या काम कर रहा हूँ, इसी वजह से हमने बड़ा किया है। रेगुलर में स्मॉल साइज या मीडियम साइज में काम करता हूँ। ठीक है, तो इसके आगे हमारा जो पैटर्न है पैटर्न का भी सिलेक्शन करना पड़ेगा, तो लॉक को हटा दीजिए। इसके आगे आप सिलेक्शन मार्केट टूल से भी कर सकते हैं, रेक्टेंगल मार्केट टूल, इसको सिलेक्शन पूरा कर सकते हैं, या फिर कंट्रोल ए प्रेस करेंगे तो पूरा सिलेक्शन हो जाएगा, कंट्रोल ए तो ऑल सिलेक्शन। उसके आगे आप कॉपी करेंगे, एज में जाके कॉपी करेंगे, या शॉर्टकट की प्रेस कर सकते हैं अपने कंप्यूटर में, कंट्रोल प्लस सी प्रेस करेंगे तो कॉपी हो जाएगा, और ऐसे कॉपी हो गया है। ठीक है, तो अभी आप पेस्ट करेंगे इसके ऊपर, तो इसके नॉर्मली पेस्ट करेंगे तो पेस्ट नॉर्मली पेस्ट होगा, कंट्रोल भी करेंगे तो नॉर्मल पेस्ट होगा। ठीक है, तो हम नहीं चाहते जैसे इस तरह से पेस्ट हो, कंट्रोल जेड में करता हूँ, मैं चाहता हूँ वो अलग से पेस्ट हो, उसके साथ इसका मास्किंग के साथ है पेस्ट हो। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको कीबोर्ड में शिफ्ट कंट्रोल ऑल्ट के साथ प्रेस करते हुए वी को प्रेस करना है, और एक बार सुन लीजिए, शिफ्ट कंट्रोल ऑल्ट के साथ भी, शिफ्ट कंट्रोल ऑल्ट भी, तो आपको मिलेगा मास्किंग के साथ आपको ये मिलेगा। ठीक है,
तो अभी इसका साइज छोटा है, अब देखेंगे यहाँ पर मास्क बना हुआ है तो कंट्रोल टी करेंगे इसे ट्रांसफॉर्म, आप इसे अकॉर्डिंग बड़ा कर ले। ओके इस पार्ट को प्रेस करके भी आप कर सकते हैं। ओके आपको जितना सही लगता है आप कर ले उतना। ओके ठीक है, मैं इसे टिक नहीं लगा रहा हूँ, इसके बाद इसके राइट क्लिक करके मैं रैप कर रहा हूँ, और रैप करके मैं इसको स्लाइडर पर क्लिक करके मैं थोड़ा अंदर की तरफ खींचता हूँ इसी तरह से। आप इस तरह से करें, इसको थोड़ा अंदर की तरफ खींच लाएं तो जैसे इसको लुक प्योर नेचुरल से लगे। ओके चाहे तो इसको भी पकड़ के थोड़ा अंदर की तरफ लाइए। इस तरह से कर सकते हैं, रहने दे। मैं इस फोर्थ स्लाइडर मतलब यहाँ पर जो स्लाइडर है इसको आगे लेके आया, इसको आगे लेके आया, इसको आगे लेके आया, तो इसके इसको करने के बाद यहाँ से नेचुरल से लुक लग रहा है, जैसे इसका टाइट फिट है, मतलब टाइटनेस इसको इसमें पता चल रहा है। ठीक है, तो उसके आगे मैं इसके अंदर कर देता हूँ तो इसका डिजाइन खेलता नहीं इसके अंदर, तो इसी वजह से मैं नहीं करता, उसके आगे टिक लगा देता हूँ। ओके हो गया, तो अभी हमारा जो इमेज नेचुरल सा लुक नहीं लग रहा है अभी भी, तो अभी इसके आगे हमें इसके अंदर शेडो तो क्रिएट करना है, तो चलिए शेडो बनाते हैं। तो इसके लिए आप नया लेयर लेंगे इसके ऊपर, और इसका शेडो उसके लिए आप यहाँ से कलर पिक करेंगे, इसका डार्क कलर लाइट इसका इस कलर को आप सिलेक्ट कर ले, और इसमें डार्क कलर जो है इसमें इस कलर का डार्क क्या है। ओके तो इस कलर को हमने चूज कर लिया। ठीक है, तो क्या काम करेंगे, इस बार ब्रश टूल को सिलेक्ट करेंगे, बी से ब्रश टूल सिलेक्ट होता है, बी से ब्रश टूल, और आप इसमें यूज करेंगे सॉफ्ट ब्रश, सॉफ्ट ब्रश या सॉफ्ट ब्रश जनरल ब्रश के अंदर आपको सॉफ्ट ब्रश मिल जाएगा, और इसका मोड नॉर्मल रहेगा, इसका ओपेसिटी 100%, इसका फ्लो को कम करके थोड़ा बहुत ही कम कर ले, 6-7% तक कर ले, मैं 7% तक रख रहा हूँ, और इसका ब्रश साइज थोड़ा छोटा या बड़ा आप कर सकते हैं, और इसका सिलेक्शन बना ले इसको करने से पहले, तो इसके कंट्रोल के साथ आप मास्किंग वाले थंबनेल पर क्लिक करेंगे तो इसका सिलेक्शन बन जाएगा, जो भी हम अभी पेंट करेंगे वो अभी एक कुशन के अंदर ही रहेगा। सही है, तो मैं थोड़ा इसके अंदर पेंट कर रहा हूँ। ओके ठीक है, आप चाहते हो इसे बर्न टूल भी यूज कर सकते हैं, उसमें थोड़ा इसमें यहाँ से बर्न टूल को यूज करके भी आप यहाँ से यूज करेंगे तो इस करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगा आपको। ठीक है, उसके बाद फिर से एक नया ले 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 नया लिया ले ले इसके आगे इस कलर को एक्स टॉगल बिटवीन यहाँ पर होता है, जैसे कि एक्सप्रेस करेंगे तो अप डाउन होगा, तो यहाँ से आप इसको की भी इसको थोड़ा यूज कर ले। तो नेचुरल से शेडो बनेगा, शेडो चारों साइड से होते हैं, ठीक है, कुशन पे पड़ रहा है, ऐसा रियलिस्टिक लुक लगना चाहिए। ठीक है, तो फिर यहाँ से इन दोनों को सिलेक्ट करके कंट्रोल जी कर ले, ग्रुप हो गया है। ठीक है, इसे बंद करके देखें, विदाउट शैडो शैडो, विदाउट शैडो शैडो, नेचुरल से लुक लग रहा है। इस केस में आप ये सभी काम कर सकते हैं, इसको भी क्लोज करके इसको बेहतर और शैडो देने के लिए एक काम कर सकते हैं, इसे रहने दे, हमने जो शैडो बनाया रहने दे। इसके आगे हम कर सकते हैं यहाँ से स्लाइडर को क्लिक करके यहाँ से आपको मिल जाएगा बर्न टूल। बर्न टूल कैसे काम करते हैं, जैसे फिर से नया क्लियर ले लिया,
इसके आगे जाके आप ऐसे इसका एक्सपोजर थोड़ा कम कर देंगे, 30 तक रख ले। इसके आगे आप बर्न टूल से इसे थोड़ा और बढ़ा ले, कोई वक्त अगर ओके। इस तरह से आप एक नेचुरल से लुक दे देंगे, ठीक है। उसके आगे आप कंट्रोल ऑल्ट शिफ्ट के साथ एक स्नैपशॉट ले ले, तो आप देखेंगे कि हमारा इमेज को ओपन करके अभी पहले इमेज ऐसा था, हमने इसको नेचुरल सा लुक दे दिया, इस तरह का पैटर्न हमने इसमें एडजस्ट किया है। तो इस प्रोसेस को आप एक बार ट्राई करें, दो चार बार ट्राई कर सकते हैं आप, तो आपको याद आ जाएगा किस तरह से करना चाहिए। तो कंट्रोल डी से डिसलेक्ट कर रहा हूँ, तो मैं और एक चीज़ दिखाता हूँ किस तरह से किया जाता है। यहाँ पर ओपन करके रखा है हमने गूगल पे, जैसे जस्ट अ सेकेंड, साथ छोड़ा है गूगल पे, कालीन ऑन फ्लोर। ओके, तो यहाँ पर देखेंगे हमने कालीन सर्च किया है नेट पे, ठीक है, गूगल पे। तो यहाँ पर कालीन, बहुत सारे कालीन यहाँ पर देख सकते हैं। तो यहाँ पर जो कालीन यहाँ पर फ्लोर पे बिछा हुआ है, तो इस तरह का कालीन पे आप किस तरह से उस पैटर्न टेक्सचर पैटर्न को आप एडजस्ट करेंगे उस डिजाइन को, तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले मैं एक काम करता हूँ, इसको सेव कर लेता अपने डेस्कटॉप में, तो राइट क्लिक करके इसको सेव करता हूँ, सेव इमेज एज, ठीक है। तो हमने इसको अपने कंप्यूटर में सेव कर लिया, ठीक है, ओके। तो इसको मैं ड्रैग करके फोटोशॉप में ओपन कर रहा हूँ, तो यहाँ पर हमने फोटोशॉप में इसे ओपन किया। इसके आगे आप देखेंगे इसका अभी इसके अंदर जो हमने इस डिजाइन को, मैं इस डिजाइन को इसके अंदर में बैठाना चाहता हूँ, तो इसके इसमें आप सेम प्रोसेस को अप्लाई करें, पेंट टूल से अभी यूज करें, पेंट टूल से सिलेक्शन बना ले। यहाँ से इसका शुरुआत हुआ है, खत्म यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, इसका यहाँ पर, ठीक है। हो सकता है बार बार कुछ गया है, तो आप इसे एडजस्ट करेंगे, आप तो तरह से देख के करेंगे, ऐसे धीरे धीरे चलते चलते इस तरह से एंकर पॉइंट बनाते चले जाएंगे। तो हमने इस तरह से हमने जल्द से जल्द करने की कोशिश की, इसलिए फटाफट किया। तो इसके आगे आपको क्या करना है, आपको इसके अंदर फेदर यूज करना है। मेक सिलेक्शन पर जाएंगे, तो ऑन रेडियस तक आपका फेदर आप यूज करेंगे, न्यू सिलेक्शन एंटी अलाइज ऑन रहेगा। इसके बाद इसके अंदर ओके करेंगे, फिर सिलेक्शन में बदल गया है, नया लेयर ले ले, नया लेयर ले ले। इसके आगे आपको क्या करना है, आपको इस पैटर्न को इसके अंदर बैठाना है। कंट्रोल डी से डिसलेक्ट कर रहा हूँ, कंट्रोल ए से ऑल सेलेक्ट कर रहा हूँ इसके पैटर्न को, मैं कंट्रोल सी से कॉपी कर रहा हूँ इसे शॉर्टकट की। अब देखेंगे यहाँ पर हमने बताया था कॉपी का, कंट्रोल सी से इसको कॉपी हमने कर लिया है। यहाँ पर हमने कंट्रोल वी से नॉर्मल पेस्ट नहीं करूँगा, इसके अंदर मैं करूँगा मास्किंग के साथ पेस्ट करूँगा। इसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा, शिफ्ट कंट्रोल ऑल्ट के साथ वी प्रेस करेंगे, शिफ्ट कंट्रोल ऑल्ट, और एक बार सुन लीजिए, शिफ्ट कंट्रोल ऑल्ट एंड वी के साथ मैं पेस्ट कर रहा हूँ, तो मास्किंग के साथ आपको मिलेगा। आप इसे कंट्रोल टी से ट्रांसफॉर्म करके बड़ा बना ले, आप इसे बड़ा बना ले, ठीक है, हमने इतना बड़ा बना लिया। तो एक काम कर, इसके बाद आप इसे कंट्रोल के साथ, कंट्रोल को प्रेस करके क्लिक करके आप इसे अकॉर्डिंग, कंट्रोल प्रेस करेंगे तो अकॉर्डिंग इसके फ्लोर के साथ एडजस्ट होगा, इस चीज को समझे, कंट्रोल के साथ प्रेस करना है, ठीक है, ओके। कंट्रोल के साथ प्रेस करेंगे आप इस तरह से, तो आपको अकॉर्डिंग फ्लोर के साथ मैच करते हुए चलेगा। मैं कंट्रोल प्रेस करते कर रहा हूँ, ओके, तो ये बाकी लगे फ्लोर पे ये बिछा हुआ है, ठीक है। आप इसे यहाँ पर राइट क्लिक करके रैप करके भी सकते हैं, कि ऐसे क्लिक करके अंदर की तरफ आप खींच सकते हैं, ठीक है। तो इसमें ऐसा कोई बात है नहीं, क्योंकि
क्योंकि कुशन का जो स्टाइल पैटर्न रहता है उस तरह का है नहीं इसमें कि जैसे नॉर्मली यहाँ पर बिछा रहता है। इस केस में आप इसे ऐसे छोड़ दें और इसे टिक मार्क लगा के ओके कर लें। ठीक है, ये पर देखेंगे बहुत ही आसानी से, बहुत ही खूबसूरत से यहाँ पर कालीन बैठ गया है पैटर्न को। तो यहाँ पर इसके अंदर भी अभी शेडो क्रिएट करना है, इसके लिए आप करेंगे, हमने इस बार में दे ही दिखाया था कि जैसे आप यहाँ पर एक ड्रॉप शेडो भी ऐड कर सकते हैं। तो ड्रॉप शेडो ऐड करने के लिए सिंपली आप क्या करेंगे, इसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे, इसके अंदर यहाँ पर ड्रॉप शेडो दिया गया है, आप ड्रॉप शेडो के यूज़ करेंगे। तो लगभग मैं यूज़ कर रहा हूँ, इतना मैं यूज़ कर रहा हूँ, 41% ड्रॉप शेडो। आप इसका एक डबल कॉपी बना सकते हैं। तो चलिए मैं इसमें दिखाता हूँ। तो अभी शेडो क्रिएट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, नया ले 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 आप, और मैं कर रहा हूँ बाण टूल से इस बार कर रहा हूँ, तो बाण टूल से मैं करता रहता हूँ इसमें। हाइलाइट्स को मैं यहाँ से आप इसे सिलेक्शन को ऐसे क्लिक करके सिलेक्शन बना ले। आप ऐसा भी कर सकते हैं, यहाँ से ब्रश टूल को सिलेक्ट करके भी यहाँ से शेडो क्रिएट कर सकते हैं। ब्रश टूल से मैं कर देता हूँ, यहाँ से पिक करके मैं चला रहा हूँ, करीब 8 पिक्सल तक उन्हें रख लिया है। यहाँ से इस तरह से आपको किनारे के पास से आप होते हुए इस तरह से शेडो क्रिएट करेंगे। ठीक है, इस तरह से चलाएंगे। ठीक है, कंट्रोल डी से डिसलेक्ट करता हूँ, और आप इसका अपासिटी यहाँ से भी घटा या बढ़ा सकते हैं। ठीक है, बढ़ा नहीं सकते, अभी तो 100% ही है, तो अभी फिल कलर भी 100% है, से कम कर सकते हैं, ज़्यादा कर सकते हैं। तो हमने इस तरह से इसका जो पैटर्न टेक्सटाइल डिज़ाइन हमने इसके ऊपर बिछाया है। तो आशा करता है इस वीडियो में हमने जो भी इंफॉर्मेशन दिया है जो बहुत ही हेल्पफुल रहा होंगे कि आपको समझ में आया है, तो कमेंट में हमें ज़रूर लिखे कि जैसे आपको अच्छा लगा या बुरा लगा, किस चीज़ को हम जानना चाहते हैं। और मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तो तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। एंड बी एंड मैं एक बात कहना चाहूँगा, आप प्रैक्टिस से ज़रूर करें कि जैसे किस तरह से 2, 4, 10 कर ले आप प्रैक्टिस, तो आपको अपने ब्रेन में ऑटोमेटिकली सेट हो जाएगा। तो अकॉर्डिंग आपके अनुसार आप अकॉर्डिंग उसके आगे ऑटोमेटिकली आपको आ पाएगा, बार बार देखने की जरूरत नहीं पड़ेगा। तो प्रैक्टिस ज़रूर करें, थैंक यू।